स्वागत है आपका मायापुरी कट पर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और आप देख रहे हैं मायापुरी रीजनल, जहां पर हम आप तक सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पंजाबी, साउथ और भोजपुरी सिनेमा यानी कि पूरी इंडियन सिनेमा की सारी अपडेट्स पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। प्राइम वीडियोज ने आने वाली अमेजोन ओरिजिनल मूवी ए वतन मेरे वतन का फर्स्ट लुक लॉन्च किया है, जो एक श्रद्धांजलि है भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले निडर नायकों को। इस फिल्म में सारा अली खान एक दिलेर स्वतंत्रता सेनानी का किरदार निभाएंगी, जिसकी झलक टीजर में देखने को मिल रही है। पिछले काफी समय से बॉलीवुड की फिल्मों को बॉयकॉट ट्रेंड का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से कई बड़े बजट की बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई हैं और फिल्म मेकर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब बॉलीवुड सुपरस्टार करीना कपूर ने फिल्मों के बॉयकॉट और कैंसिल कल्चर के बढ़ते ट्रेंड पर रिएक्ट करते हुए कहा वो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कोलकाता में एक इवेंट के दौरान एक्ट्रेस ने कहा अगर ऐसा होता है तो हम एंटरटेनमेंट कैसे पाएंगे, आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट और खुशी कैसे होगी, जो मुझे लगता है कि हर किसी को चाहिए, अगर फिल्में नहीं होंगी तो एंटरटेनमेंट कैसे होगा। खबर मिली है कि साल 2024 की संक्रांति में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 और रामचरण की RC-15 के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर होने वाली है। सुनने में आया है कि 2024 की संक्रांति पर मेकर्स इन दोनों सितारों की फिल्मों को रिलीज करने की प्लानिंग में है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत अपनी अपकमिंग फिल्म जेलर को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म को लेकर अभी तक कई अपडेट सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बीच अब रजनीकांत की फिल्म जेलर को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानने के बाद रजनीकांत के फैंस निराश हो जाएंगे। इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रजनीकांत की ये फिल्म अब 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। जानकारी के लिए पहले बताया जा रहा था कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर मणिरत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वन 2 से क्लैश होने वाला है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होते दिखेगा। ऋषभ शेट्टी अपनी फिल्म कांतरा से साल 2022 में लगातार चर्चा में बने रहे और अब 2023 में भी उनकी फिल्म कई वजहों से सुर्खियों में है। इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को भी काफी देखा जा रहा है और मूवी ने थिएटर्स पर रिलीज के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है। पंजाबी एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने पिछले साल एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। वहीं सरगुन अपने फैंस के साथ भी टच में रहती हैं और सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ से जुड़ी अपडेट शेयर करती रहती हैं। अभी रिसेंटली सरगुन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जहां वो डांस करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो से उनका स्टाइलिश लुक भी फैंस को काफी पसंद आ रहा है। भोजपुरी सिनेमा और छोटे पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाली श्वेता तिवारी आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। बेशक श्वेता तिवारी की पर्सनल लाइफ उतार चढ़ाव से भरी रही, लेकिन श्वेता तिवारी ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खूब सक्सेस हासिल की है। हाल ही में श्वेता तिवारी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान के गाने पर झूमती नजर आ रही हैं। श्वेता तिवारी ने शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने झूमे जो पठान पर डांस किया है दोस्तों के साथ। श्वेता तिवारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की पॉपुलैरिटी भी एक अलग लेवल की है। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करती ही रहती हैं। अब रिसेंटली मोनालिसा ने अपनी न्यू सेट ऑफ पिक्चर शेयर की है जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं। शेयर की हुई पिक्चर में मोनालिसा ने एक ब्लैक कैमी पहनी हुई है। उनकी ये तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही है। आज मायापुरी रीजनल में बस इतना ही। आगे के सिनेमा से जुड़ी हर अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।